हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पोको X3 प्रो के बारे में। तो इस फ़ोन के हम स्पेसिफिकेशंस, प्राइसेस और जो लॉन्च डेट है इंडिया में और बाहर, उसके अलावा फ़ीचर्स और भी बहुत सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। इसके अलावा मैं आपके साथ दो अमेजिंग डिस्काउंट ऑफर्स भी शेयर करूंगा जो इस फ़ोन को परचेज़ करने के टाइम आपको मिल सकते हैं। तो अगर आप इन सारी डिटेल्स में इंटरेस्टेड हैं तो इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। तो दोस्तों, पोको X3 Pro ग्लोबल मार्केट्स में 23 मार्च 2021 को लॉन्च हुआ था और उसके एक हफ्ते बाद ही यानी 30 मार्च 2021 जो ट्यूसडे था, उस दिन पोको X3 Pro इंडिया में लॉन्च हो गया था। और हाँ, एक चीज़ और जानना बहुत ज़रूरी है कि पोको X3 Pro, जैसा कि इसका नाम बताता है, ये एक अपडेटेड वर्जन है पोको X3 का जो पिछले साल के सेप्टेम्बर में लॉन्च हुआ था। सबसे पहले बात करते हैं जनरल स्पेसिफिकेशंस की। तो पोको X3 Pro में आपको 5160 mAh की बैटरी के साथ 33 W के फास्ट चार्जिंग सपोर्ट देखने को मिलेगा, जो पोको X3 Pro को 0 से लेके 100% तक सिर्फ एक घंटे में चार्ज कर देगा। इसके अलावा यहाँ पर पोको X3 Pro जो है वो ब्रॉन्ज, ब्लैक और ब्लू कलर्स में अवेलेबल है। और जो इसका ऑपरेटिंग सिस्टम है वो एंड्रॉयड 11 का है, जिसकी स्किन MIUI 12 की होगी। डिस्प्ले की बात करें तो पोको X3 Pro में आपको 6.67 इंच का स्क्रीन साइज, 1080x2400 पिक्सल्स का रेजोल्यूशन, 120Hz का डिस्प्ले और गोरिल्ला ग्लास का स्क्रीन प्रोटेक्शन देखने को मिलेगा। दोस्तों, प्रोसेसिंग पावर की बात करें तो आपको क्वालकॉम स्नैपड्रैगन का 860 प्रोसेसर देखने को मिलेगा पोको X3 Pro में, जो अभी लेटेस्ट क्वालकॉम स्नैपड्रैगन प्रोसेसर है। इसके अलावा यहाँ पर आपको इस फ़ोन में दो वेरिएंट्स देखने को मिलेंगे। एक होगा 6GB रैम 128GB इंटरनल स्टोरेज का और एक होगा 8GB रैम और 128GB इंटरनल स्टोरेज का। जो 128GB इंटरनल स्टोरेज है वो एक्सपेंडेबल है। बहुत से मिड रेंज फ़ोन्स में आपको एक्सपेंडेबल स्टोरेज नहीं मिलती है, लेकिन यहाँ पे पोको X3 Pro में आपको एक्सपेंडेबल स्टोरेज मिलेगी, जिससे आप माइक्रो SD कार्ड लगा के इसको 1000GB तक ले जा सकते हैं। सेंसर्स की बात करें तो यहाँ पर आपको इस फ़ोन में फिंगरप्रिंट सेंसर, प्रॉक्सिमिटी सेंसर, कंपस, एक्सेलेरोमीटर और एम्बिएंट लाइट सेंसर देखने को मिलेगा, जो हर मिड रेंज फ़ोन में आपको देखने को मिल जाता है। इसके अलावा दोस्तों, आपको डुअल सिम का सपोर्ट मिलेगा जो कि 3G और 4G को सपोर्ट करेंगी और 5G को नहीं करेंगी। ये एक नेगेटिव पॉइंट है पोको X3 Pro का, क्योंकि इस प्राइस रेंज में बहुत सी कंपनीज 5G सिम्स को सपोर्ट करने के फीचर्स डाल रही हैं, लेकिन इस फ़ोन में सिर्फ आपको 4G और 3G सपोर्ट ही मिलेगा। कैमरे की बात करें तो दोस्तों, पोको X3 Pro में आपको काफ़ी इंटरेस्टिंग कैमरा फीचर्स देखने को मिलेंगे। सबसे पहला फीचर तो आपने नोटिस कर ही लिया होगा, इसका कैमरा डिज़ाइन। तो यहाँ पर पोको X3 Pro में आपको क्वाड रियर कैमरा सेटअप देखने को मिलता है, जो काफ़ी कूल लगता है बैक साइड से। यहाँ पे आपको 48 मेगापिक्सल का प्राइमरी सेंसर, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड सेंसर, 2 मेगापिक्सल का मैक्रो सेंसर और जो लास्ट सेंसर है 2 मेगापिक्सल का है और वो डेप्थ सेंसर है जो बहुत से फ़ोन्स में होता है। तो ये चार कैमराज हैं इसके जो क्वाड कैमरा सेटअप है बैक साइड पे। इसके अलावा जो फ्रंट कैमरा है, जो सेल्फी कैमरा है, वो भी 20 मेगापिक्सल का है। कैमरे के मुकाबले में ये बहुत ही अच्छा फ़ोन है अगर इसके प्राइसिंग को कंसिडर किया जाए, क्योंकि ये एक मिड रेंज फ़ोन है। चलिए दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर की मिड रेंज स्मार्टफोन मार्केट में, जो है प्राइस। तो दोस्तों, यहाँ पर आपको मैंने जैसे बताया था कि पोको X3 Pro में आपको दो वेरिएंट्स देखने को मिलेंगे। दोनों वेरिएंट्स के अलग अलग प्राइसेस हैं। जो फर्स्ट वेरिएंट है 6GB रैम और 128 इंटरनल GB स्टोरेज का, उसका प्राइस है 18,919 रुपीज़। जो सेकंड वेरिएंट है 6GB रैम और 128GB इंटरनल स्टोरेज का, उसका प्राइस है 20,990 रुपीज़। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 2,000 रुपये का फ़र्क है, और सिर्फ 2GB रैम का मतलब फ़र्क है अगर हम स्पेसिफिकेशंस की बात करें तो, बाकी कुछ और फ़र्क नहीं है यहाँ पे। दोस्तों, मेरे हिसाब से पोको X3 Pro की बहुत अच्छी प्राइसिंग है इंडिया के मिड रेंज स्मार्टफोन मार्केट के हिसाब से, लेकिन कंपटीशन बढ़ता जा रहा है क्योंकि दूसरे फ़ोन की कंपनीज़ भी बहुत अच्छे से फ़ोन निकाल रही हैं और भी बहुत अच्छे फीचर्स के साथ और भी अफोर्डेबल प्राइसेस के साथ। लेकिन दोस्तों, पोको ने एक और काम बहुत अच्छा किया है, उन्होंने और दो डिस्काउंट ऑफर्स रिलीज़ किए हैं अभी लेटेस्ट में। तो अगर आप इनको ख़रीदना चाहें, इस फ़ोन को ख़रीदना चाहें, तो आप इन डिस्काउंट ऑफर्स को यूज़ कर सकते हैं। तो दो डिस्काउंट ऑफर्स हैं। पहला डिस्काउंट ऑफर उन लोगों के लिए है जो इस फ़ोन को फ्लिपकार्ट से ख़रीदेंगे और ICICI बैंक के क्रेडिट कार्ड से या EMI के थ्रू पेमेंट करेंगे, तो उनको 1,000 रुपये का इंस्टेंटली डिस्काउंट मिल जाएगा। तो जो मतलब वेरिएंट्स हैं उनमें आपको 1,000 रुपये का रिडक्शन मिल जाएगा।
तो जो फर्स्ट वेरिएंट है 18,999 रुपीज़ का, वो 17,999 रुपीज़ का हो जाएगा। जो सेकंड वेरिएंट है 20,999 रुपीज़ का, वो 19,999 रुपीज़ का हो जाएगा। तो ये एक छोटा सा मार्जिन है, लेकिन 1,000 रुपये भी बहुत होते हैं। जो सेकंड डिस्काउंट ऑफ़र है वो एक एक्सचेंज ऑफ़र है। तो अगर आपके पास एक सही सलामत पोको F1 रखा हुआ है जिसको आप यूज़ कर रहे हैं, या फिर वो आपके पास ऐसे ही रखा हुआ है, तो आप उसको पोको एक ब्रांड न्यू पोको X3 प्रो के बदले में एक्सचेंज कर सकते हैं। तो कंपनी आपका पोको F1 ले लेगी और आपको एक पोको X3 प्रो दे देगी ब्रांड न्यू, और इसके साथ साथ आपको एक 7,000 रुपीज़ का डिस्काउंट मिल जाएगा, जो कि एक बहुत ही कूल बात है और एक फ़ोन को बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल बना देगा। और अगर आप इन दोनों कंडीशंस को मीट करते हैं, यानी आप EMI के थ्रू फ्लिपकार्ट के थ्रू पेमेंट करते हैं और आप पोको F1 अपना पोको X3 के बदले में, पोको X3 प्रो के बदले में लेना चाहते हैं, तो आपको 8,000 रुपीज़ का डिस्काउंट मिल जाएगा, जो कि बहुत ही क्रेज़ी ऑफ़र है। तो अगर आप चाहें तो मैं कुछ आर्टिकल्स का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा जहाँ से मुझे ये इन्फॉर्मेशन मिली है, और फ्लिपकार्ट के थ्रू आप इसको एक्सेस कर पाएंगे। एक और चीज़ मुझे बताना थी आपको कि 6 अप्रैल को इनकी फर्स्ट सेल शुरू हो जाएगी फ्लिपकार्ट पे, तो आप जल्द से जल्द जाके इसको अवेल कर सकते हैं इस ऑफर को। बस दोस्तों, वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा, क्योंकि मेरी नेक्स्ट वीडियो आपके नोटिफिकेशन बार तक नहीं पहुँच पाएगी अगर आप बेल आइकन नहीं दबाएंगे। तो बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा इस वीडियो को, क्योंकि ये बहुत ही लिमिटेड ऑफ़र है, पता नहीं ये ऑफ़र ख़त्म हुआ या नहीं जब आप ये वीडियो देख रहे हों। तो चलिए दोस्तों, मिलता हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में। गुड बाय, टेक केयर। गुफ्तगू जारी है आपके साथ।